जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह कौन सा पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है? तो इसका आंसर होगा वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो क्या है भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम? तो इसका आंसर होगा परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कालिदास जी को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कौन व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम थे? तो इसका आंसर होगा यूरी गगारिन, जो रूस के थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन थे प्रथम जो अंतरिक्ष में जाने वाले? तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो क्या नाम है उस भारतीय उपग्रह का और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका नाम है आर्यभट्ट, और यह कब छोड़ा गया? तो यह सन 1975 में यह उपग्रह छोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, जो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो घेंगा रोग है वह किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वह कौन सी गैस है जो हंसाने वाली है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है धावन सोडा का रासायनिक नाम? तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीतल है वह किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका आंसर होगा तांबा एवं जस्ता। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वह कौन सा विटामिन है जिसका नाम कैल्सीफेरॉल है? तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो इसका आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है, वायुयान की खोज किसने की? तो वह कौन थे जिन्होंने वायुयान की खोज की? तो इसका आंसर होगा ओलिवर और विलिवर राइट बंधु, इन दोनों ने इसकी खोज की। कौन कौन ने खोज की वायुयान की? तो वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की। अगला क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? जिसका आंसर होगा रोम। अगला क्वेश्चन है, सकसंबत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? तो कब अपनाया सकसंबत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में? तो इसका आंसर होगा 22 मार्च 1957 में। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा पेरे और मैरी क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वह कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर होगा शनि, जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर क्या है? वलय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वह कौन सा बैंक है विश्व में जिसकी सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक।
अगला क्वेश्चन है सफेद हाथियों का देश कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सफेद हाथियों का देश कौन सा है, तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंगारू है वह किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो किस आंदोलन से संबंध है इनका, तो इसका आंसर होगा चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो वह कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा यंत्र है, तो इसका आंसर होगा सेफिगोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा रोम रेड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कौन सा अधिवेशन था, तो इसका आंसर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है यह किसने बनवाया था, तो इसका आंसर होगा राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था यह मंदिर। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन थे, तो इसका आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 370 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो जो हैदराबाद है वह किस नदी पर बसा है, तो इसका आंसर होगा मूसी नदी पर बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कौन सा है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसका आंसर होगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है स्वेज नहर के इन दो सागरों को जोड़ती है, तो जो स्वेज नहर है वह कौन कौन से दो सागरों को जोड़ती है, तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो जो पनामा नहर है यह किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो कौन सी है भारत के संघीय क्षेत्र हैं जो दादरा और नगर हवेली, इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा सिलवासा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो किस राज्य में फूलों की घाटी, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर है जूबा। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था, तो कौन थे आईने अकबरी के लेखक, तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। जो अबुल फजल हैं वह आईने अकबरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा टेनिस खेल से। अगला क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन अनेक बार एग्जाम में भी आ चुका है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, इसका आंसर होगा 24। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी, तो कौन सी बनी भारत में सबसे पहली फिल्म, तो इसका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी सबसे छोटी हड्डी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा स्टेपिज। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा फीमर, जांग की हड्डी जो सबसे बड़ी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है, तो कितना होता है इसका जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं इस क्रिया को, तो इसका आंसर होगा जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो क्या है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो इसका आंसर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा डिगबोई असम में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया था, जो हैदराबाद में चार मीनार है इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने, किसने, कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया, तो कहां पर और कब पारित किया गया, तो इसका आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह पारित किया गया था यह प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा दूध से। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, तो इसका आंसर है चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पहला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है वह पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना है भारत में, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे, तो कौन थे, तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने कब आक्रमण किया था, तो इन्होंने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो कौन था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कौन थे, तो इसका आंसर है मेगस्थनीज थे जो सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा सिलोन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की, तो वह कौन थे जिन्होंने विटामिन की खोज की, तो इसका आंसर होगा फंक ने, जो फंक थे इन्होंने विटामिन की खोज की। अगला क्वेश्चन है,
स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो किसकी मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील? तो इसका आंसर होगा आयरन, क्रोमियम और निकल, इन तीनों की स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन है कांसा, जो कांसा है वह किसकी मिश्र धातु है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कॉपर तथा टिन। कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु क्या है? तो इसका आंसर होगा कांसा। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो कब संबोधित किया था? तो इसका आंसर होगा 1893 में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो कब होता है? तो इसका आंसर होगा 21 जून को। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश? तो इसका आंसर होगा सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह कौन नेता थे? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो क्या नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो कौन से अंग में संपन्न होती है यह क्रिया? तो इसका आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सी धातु है जिसका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन है यह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर होगा पृष्ठीय तनाव पर। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो वह कौन सा वृक्ष है जिसकी पत्तियों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शहतूत। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा तांबे की खान के लिए राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक सभी ग्रुपों में शेयर करें, मित्रों को शेयर करें जिससे वह भी यह वीडियो को देख सकें, और हमें आप कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। हम निरंतर ही ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।